वेलकम स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अवर पेपर फोल्डिंग आर्ट ऑफ लेक्चर नंबर वन। आज हम दो ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखेंगे, दैट इज फर्स्ट इज पेंगुइन एंड सेकंड वन इज फ्लावर। ओके, पेंगुइन बनाने के लिए हमें इस पेपर को पूरा एक स्क्वायर शेप में होना चाहिए। जबकि ये स्क्वायर शेप में नहीं है, तो हम इसके स्क्वायर शेप के लिए हम इसके कॉर्नर्स और एजेस को, इस कॉर्नर और इस एज को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। और इस तरह स्केल से हमें मार्किंग करके अंदाज़ा हो जाता है कि हम इसका एक प्रॉपर स्केयर बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक दिस, ओके। इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्केयर शेप आ जाएगी, दैट इज स्टूडेंट। ये है हमारे पास एक स्क्वायर पेपर। इसके लिए पेंगुइन बनाने के लिए हमने फर्स्ट स्टेप जो इसका फॉलो करना है, हमने पेपर को इस तरह रखना है और एक ट्रायंगल शेप बनानी है। फर्स्ट इस ट्रायंगल शेप इस तरह होनी चाहिए कि आपका नीचे वाली जो बेस है वो बड़ी ट्रायंगल और जो ऊपर आप फोल्डिंग दे रहे हैं उसको वो स्मॉल ट्रायंगल, उससे थोड़ी सी स्मॉल ट्रायंगल। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये कॉर्नर्स और ये सारा सीक्वल, ये जो सीक्वेंस है ये इक्वल हो, ठीक है। ओके, हमने इन कॉर्नर्स को मिला दिया। अब हम इस पेपर को उठाते हैं और पेंगुइन बनाने के लिए हम इन दोनों को इस तरीके से फोल्ड करते हैं कि ये इक्वली अंदर चले जाएं और बाहर के कॉर्नर्स भी इक्वली, लाइक दिस। हम इस कॉर्नर को इसके साथ मिला रहे हैं, ओके। और फोल्ड नहीं होना चाहिए अंदर से, जबकि ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो हम इस पेपर को अगेन इस तरह कर देते हैं थोड़ा सा, ओके। अब हमारे पास इक्वली ये पेपर फोल्ड हो गया, साइड से भी और इस साइड से भी, ओके स्टूडेंट। अब हम इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे जो स्मॉल ट्रायंगल की शेप बनी हुई है हम इसको इक्वली फोल्ड कर देते हैं, ओके। अगेन इस स्टेप को देखें। अब हमारे पास ये जो कॉर्नर्स बचे हुए हैं, जो बिग ट्रायंगल बनी थी उसके कॉर्नर्स को हम बाहर निकालते हैं इक्वली। यहाँ से आप देखेंगे कि सिर्फ कॉर्नर्स बाहर निकले हुए, ये है आपका फर्स्ट स्टेप। देन इसी तरह ये भी एक ट्राइंगल है, इसके सिर्फ कॉर्नर्स आपस में बाहर निकले हों, तो हम यहाँ से इक्वली शेप लेके आते हैं और इनको अटैच करते हैं। कॉर्नर्स बाहर निकला है, ये आपका ऑलमोस्ट ये स्टेप कंप्लीट है फुट का। अब हमारे पास जो बड़ी ट्राइंगल आ रही है यहाँ पे, हम इसको भी इक्वली, इस साइज़ को और इस साइज़ को आपने इक्वली रखना है और अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ओके स्टूडेंट्स। हमने इसको फोल्ड कर दिया, ये हमारा बन गया है पेंगुइन। आप इस पर आइस, ब्लैक कलर के चार्ट पेपर से आप इनके आइस बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह आपने आइस ड्रॉ कर ली इनकी और यहाँ किसी भी पेपर से आपने आइस बना दी, तो ये हमारा पेंगुइन रेडी है। अब हम आते हैं फ्लावर की तरफ। के लिए हम सबसे पहले एक स्केयर शेप में एक चार्ट पेपर लेते हैं, एक और चार्ट पेपर, कलरफुल होना चाहिए बिकॉज फ्लावर्स आर कलरफुल, ओके। फर्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, इस स्केयर का हम ट्रायंगल बना रहे हैं, स्केयर की हम एक ट्रायंगल, कंप्लीट ट्रायंगल, एजेस के साथ हम एजेस को अटैच करेंगे और कॉर्नर्स के साथ हम कॉर्नर्स को अटैच करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी एक कंप्लीट ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को हम इसी तरह ही पकड़ते हुए इस कॉर्नर के साथ हम एक प्रॉपर एक पॉइंट बना लेते हैं, ओके। और इसी पॉइंट को इन्हेंस करते हुए हम फर्स्ट वाले कॉर्नर को उठाएंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे। ये इस सूरत में अटैच होगा जब आपका दोनों इक्वली, जबकि ये आप देख रहे हैं इक्वल नहीं आ रहा, तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं
तो अब हमारे पास ये नीचे से कॉर्नर्स भी अटैच हो गए और दोनों को हमने इक्वली उठा लिया। आप देखें हमने कॉर्नर्स को कॉर्नर्स के साथ जब अटैच किया हमारे पास एक इस तरह की शेप आ गई। जब हम इस पर टर्न करते हैं तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फ्लावर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस फ्लावर को इस नीचे से यहाँ से इस कॉर्नर से इस तरफ बंद कर देते हैं। ओके नाउ दिस वन इज द शेप। अब हम इसका बनाते हैं स्टेम। स्टेम फ्लावर बनाने के लिए हमें स्टेम चाहिए, तो स्टेम के लिए भी हमें इसका कलरफुल पेपर चाहिए, डैट इज़ ग्रीन। आ रहा है? ओके ये हमारे पास स्क्वायर शेप में ग्रीन कलर का पेपर है जो हमें स्टेम के लिए चाहिए। अब हमें इसके कॉर्नर्स को इस तरह कर लेते हैं। अब हम इनको अटैच करते हैं। जब हमारे पास स्क्वायर बनाने के लिए ट्रायंगल की एक कम्प्लीट लाइन लगी होगी हम उस कॉर्नर को इसके साथ मिला लेंगे। ओके अब हमारे पास जब ये कम्प्लीट ट्रायंगल बनी है तो हम इस कॉर्नर को इस लाइन के साथ जोड़ेंगे। ये कम्प्लीट एक कॉर्नर है हमारे पास और ये हमारे पास एक ओवर शेप है। ओके इसी तरह ही इस कॉर्नर का देखना है आपने और इसके साथ ये वाला आपने पॉइंट उठाना है और इस कॉर्नर के साथ जोड़ देना है। ठीक है ये इक्वली हमारे पास एक शेप आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स अब हमने इनको बाइंड कर लिया, इन दोनों को इन कॉर्नर्स के साथ आपस में इसे बाइंड कर लिया तो हमारे पास एक इस तरह की शेप आ गई। अब हमने इन पॉइंट्स को थोड़ा सा इतना सा गैप देकर इस पूरी प्रॉपर शेप के साथ हम जोड़ देंगे और हमारे पास ये वाला कॉर्नर जो है वो बाहर की तरफ आज अपेयर हो जाएगा। ऐसे ही है स्टूडेंट्स, देखें जब हमने अगेन बता रही हूँ इस पॉइंट को इसके साथ उठाना है और इन कॉर्नर्स के साथ जोड़ना है और फिर हमारे पास ये बाहर की तरफ एक शेप आ जाएगी दिस वन। ओके अब हम इसको इस फ्लावर के ऊपर ग्लू के साथ स्टक कर देते हैं। ओके हमारे पास ग्लू है, हमने यहाँ पे लगाई ग्लू। ओके इस पॉइंट के साथ ग्लू लगा ली। ओके नाउ हमारे पास एक प्रॉपर शेप में आ गया है फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स दिस वन इज योर फ्लावर। आज हमने क्या बनाना सीखा, एक पेंगुइन और दूसरा फ्लावर। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।